बी हेल्दी चैनल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बजाज आलमंड ड्रॉप और दिव्य बादाम रोगन ऑयल की कंपेरेटिव एनालिसिस करके बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन दोनों तेलों का यूज़ करते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफ्रेंसेज हैं और इनके यूज़ से हमें किस प्रकार से बेनिफिट्स प्राप्त होता है उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको इनके कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स भी पता चल जाएंगे। इनमें कुछ ऐसी सच्चाई है जो शायद आप नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, उसका चुनाव हम विज्ञापनों को देख करके करते हैं, यानी कि टीवी एड जो आते हैं उसको देख करके ही उसको हम सच मान लेते हैं। इसलिए जो मेन सच्चाई होती है, जो रियल फैक्ट होता है, उसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इस बजाज आलमंड ड्रॉप और दिव्य बादाम रोगन ऑयल की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों मेरे पास आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें बताया गया है कि मेरे नए अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल के जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया है तो उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए। उसी की वजह से आपको मेरे नए अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे नए पुराने जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले इस दिव्य बादाम रोगन ऑयल की डिटेल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो कंपनी का यहाँ पे दावा है कि ये 100% जो आलमंड ऑयल होता है उससे मिलकर के बना हुआ होता है, जो स्वीट आलमंड ऑयल होता है उससे ये मिलकर के बना हुआ होता है, और इसमें 99% केवल आलमंड ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ विटामिन ए का इस्तेमाल किया गया है, वो भी जो नेचुरल सोर्स से मिलता है विटामिन ई, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। और जहाँ तक इस दिव्य बादाम रोगन ऑयल के प्राइस की बात है तो ये 60 ml की छोटी बोतल होती है और इसकी जो प्राइस होती है 150 rupees की होती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक के स्टोर या जो पतंजलि के स्टोर हैं वहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं इस दिव्य बादाम रोगन ऑयल के यूजेस की। तो आप इसका यूज़ एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से कर सकते हैं, यानी कि इसको आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके यूज से होने वाले बेनिफिट्स की। तो ओवरऑल हमारे हेल्थ को ये काफ़ी मेंटेन करके रखता है। इसका लगातार यूज़ हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ अगर हमारे हेयर में कोई प्रॉब्लम रहती है, हेयर फॉल की शिकायत है या डेंड्रफ की शिकायत है, उसको ये रोकने में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ सर्दियों के मौसम में जो सर्दी की जो समस्या हो जाती है, सर्दी जुकाम या सर्दियों में जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ये रोकने में काफ़ी मदद करता है। अगर आपका स्किन ग्लोइंग नहीं रहता है, उसमें डलनेस रहती है, तो आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट अपने स्किन पे कर सकते हैं। जो अंडर आइज डार्क सर्कल्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले इसके कुछ बूंदे अपने आँखों के नीचे जो काले घेरे बने हुए हैं उस पर आप मालिश करते हैं तो धीरे धीरे जो आपके डार्क सर्कल्स हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये बच्चों को मालिश करने के लिए भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। जो इन्फेंट्स होते हैं उनको आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनके स्किन में काफ़ी ग्रोथ देखा जाता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही अच्छे से होता है। जहाँ तक इस दिव्य बादाम रोगन ऑयल के डायरेक्शन फॉर यूज़ की बात है तो आप इसका इस्तेमाल रात में सोते समय दूध में डाल करके कर सकते हैं। इसके साथ साथ डायरेक्ट अपने स्किन पे लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, कान और नाक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं उसमें। और इसके साथ ही ये एक लैक्सिलेटिव का भी काम करता है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो रात में दूध के साथ लेने से आपके जो कब्ज की समस्या है, इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। ये ओवरऑल हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी मदद करता है। इसका आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इस बजाज आलमंड ड्रॉप ऑयल के बारे में। और ये जो तेल है बहुत ही फेमस तेल है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका यूज़ ज़रूर किया होगा और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी इसका यूज़ कर रहे होंगे। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हम टीवी एड देख करके ही तेलों का यूज़ करते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स है उसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो इसका जो कंपोजिशन है, हम यही समझते हैं कि ये शुद्ध रूप से आलमंड ऑयल है, लेकिन इसमें जो तेलों का मिश्रण है इसमें मिनरल ऑयल्स का भी इस्तेमाल किया गया होता है। लगभग 77% इसमें मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि खनिज तेल का इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो खनिज तेलों का हमारे बालों पे, हमारे स्किन पे कोई ज़्यादा असर नहीं होता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं कि ये टोटली एक आलमंड ऑयल है, लेकिन इसमें केवल 22% ही आलमंड ऑयल का इस्तेमाल किया गया होता है। यहाँ पर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, इस तेल के बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी।
ये जो तेल है एक हेयर ऑयल है, इसका आप इस्तेमाल केवल बालों में बालों को सॉफ्ट रखने के लिए कर सकते हैं। वो लोग इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके बाल ड्राई रहते हैं, मॉइस्चराइज नहीं रहते हैं। ये इस तरह से अगर आप इस बजाज आलमंड ड्रॉप ऑयल का इस्तेमाल यह सोच करके कर रहे हैं कि ये शुद्ध रूप से बादाम का तेल है, तो ऐसा नहीं है। इसमें मिनरल ऑयल्स और वेजिटेबल्स ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अगर आप शुद्ध रूप से बादाम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बादाम रोगन का इस्तेमाल कीजिए, जिसका मैंने डिटेल्स पूरे इस वीडियो में पहले दे चुका हूँ। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किसी भी कंपनी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो मानना है, मैंने जो रिसर्च किया है दोनों तेलों के बारे में, उसकी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बजाज आलमंड ड्रॉप और दिव्य बादाम रोगन ऑयल का के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।